गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वर्सी नंबर 135, टाइटल इज आओ छोटी छोटी चीज़ों को नापे। आपकी तरह काजल ने भी नापदंडी के हिस्से करके उसका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ें नापने के लिए किया था। काम करने के बाद उसने अपनी टीचर को मैसेज भेजकर बताया कि उसे यह काम करने में बहुत मज़ा आया। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी मज़ा आया? काजल ने इस मापदंड से छोटी छोटी चीज़ें भी नापी, जैसे पेंसिल, रबर आदि। बच्चों, सामने दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि काजल ने पेंसिल को किस तरह नापा है। देखो, पेंसिल की लंबाई 6 छोटे हिस्सों के बराबर है। क्या आप भी नीचे दी गई वस्तुओं को नापेंगे? बच्चों, ऐसे ही स्केल जो आपने बनाया है, तो कितने छोटे छोटे हिस्से आप नाप कर यहाँ पर लिखते हैं। आसान है बच्चों? उसके बाद ऊपर तालिका जो आप बनाएंगे टेबल, के आधार पर ये क्वेश्चन आपको करने हैं। आपकी सबसे बड़ी उंगली और सबसे छोटी उंगली की लंबाई में कितना अंतर है? ऊपर दी गई तालिका में वस्तुओं में से सबसे लंबी वस्तु कौन सी है? ऊपर दी गई तालिका में वस्तुओं में से सबसे छोटी वस्तु कौन सी है? और लास्ट क्वेश्चन हमारा, आपके घर में सबसे छोटी वस्तु कौन सी है? उसका चित्र बनाइए और उसकी लंबाई नापदंडी की मदद से नापिए। आसान है बच्चों? चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।